कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला पे। हम आ गए हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये वीडियो होने वाली है काफी इन्फॉर्मेटिव। इसमें बताएंगे हम कि कैसे 12th और 10th के जो रीचेकिंग और इवेल्यूशन होते हैं उनका प्रोसेस क्या है, उनका पूरा प्रोसीजर क्या है, वो है क्या एक्चुअली, और कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बिना कोई देर के चलते हैं वीडियो के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो है 10th और 12th के रीचेकिंग और इवेल्यूशन के बारे में। ये वीडियो स्पेशली इंफॉर्मेटिव और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस के हैं और जिनके 75% से कम नंबर आ गए, जैसे कि 74, 73 या उससे भी कम नंबर आ गए, क्योंकि वो इसके बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि जी मेंस के थ्रू उनका कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 75% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए होते हैं उधर। तो काफी जल्दी परेशान हो जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं इसको एक्सेस करना और वो चाहते हैं कि उनका कॉपी रीचेकिंग में जाए, उनका मार्क्स इंप्रूव हो, लेकिन क्योंकि उनको प्रॉपर वे और प्रॉपर तरीका नहीं पता होता है कि कैसे इसको एक्सेस करें, तो वो ये नहीं कर पाते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल में कि क्या है रीचेकिंग और इवेल्यूशन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा स्टेप होता है कि ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, और तीसरा स्टेप होता है हमारा रीवेल्युएशन। अगर आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, इंक्रीज करवाने हैं, तो आपको प्रॉपर तीनों स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सीधा रिवेल्युएशन करवा रहे हैं या आप सिर्फ पहला स्टेप करके छोड़ रहे हैं। नहीं स्टूडेंट, आपको पूरा प्रॉपरली तीनों स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो पहला स्टेप आता है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, मतलब काउंटिंग ऑफ टोटल मार्क्स। इसमें क्या होता है, सपोज कि आपको 72 नंबर आए हैं 100 में, ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 1 में इतने नंबर आए, 5 आए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 10 मार्क्स आए हैं, या जो भी मार्क्स आए हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, आपके टोटल मार्क्स को सिर्फ काउंट किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि आपके 75 मार्क्स हो रहे हैं या 72 मार्क्स जितने आपको दिखाए गए हैं उतने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की डेट आपको दे दी गई है 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक शाम 5 बजे तक, जहां आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 500 रुपीज फॉर पर सब्जेक्ट ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर इस दौरान वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के टाइम पे आपका नंबर इंक्रीज होता है, सपोज पहले आपका 72 था और चेक होने के बाद आपका 75 मार्क्स आ रहा है, तो वो आपको कैसे बताया जाएगा, तो ये आपको पर्सनली मेल किया जाएगा और पोस्ट भी किया जाएगा। लेकिन अगर इस दौरान आपका नंबर नहीं बढ़ता है, 72 का सिर्फ 72 ही रहता है, तो ये आपको कोई पर्सनली पोस्ट नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ सीबीएसई के पोर्टफोलियो पे ऑनलाइन दिखाया जाएगा, कोई पर्सनली मैसेज या पोस्ट नहीं किया जाएगा। तो अब आते हैं हमारे सेकंड स्टेप है, जो कि स्पेशली है उन स्टूडेंट के लिए जो कि अपना आंसर बुक पर्सनली देखना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं चलो टोटल करने में, टोटल मार्क्स काउंट करने में तो कोई एरर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि उनका क्वेश्चन चेक करने में ही गलती कर दी गई हो। जैसे कि कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें 1 नंबर दिए गए, तो उन्हें लगता है नहीं यार इसमें मुझे ज्यादा मिलने चाहिए थे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 700 रुपया पर आंसर बुक पे करना पड़ेगा अपनी आंसर बुक को देखने के लिए। तो ये आंसर बुक आपको पोस्ट नहीं की जाएगी, आपके घर तक नहीं पहुंचाई जाएगी, ये आपको ऑनलाइन ही भेजी जाएगी। तो कहां पे, तो सीबीएसई का जो पोर्टफोलियो होता है वहीं पे ये आपको ऑनलाइन दिखाई जाएगी, जहां कि आप अपना एक एक क्वेश्चन पर्सनली चेक करके एनालाइज कर सकते हैं, हर स्टेप पे मार्क्स चेक कर सकते हैं कि कहां कितने मार्क्स दिए गए हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पे डेट मेंशन कर दी गई है, 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त तक आप 700 रुपीज ऑनलाइन पे कर सकते हैं, कोई भी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और अपना आंसर बुक खुद देख सकते हैं। तो एक बार आंसर बुक मिलने के बाद बहुत स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, मैं जो सोच रहा था वो गलत है, मुझे जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे इस क्वेश्चन में उतने ही मिले हैं। लेकिन बहुत स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, हाँ मैंने सोचा था कि मुझे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे कम मार्क्स मिले हैं, मुझे लग रहा था कि इसे ज्यादा मार्क्स मुझे मिलने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप करते हैं उस क्वेश्चन को चैलेंज, जो कि आता है हमारा थर्ड स्टेप पे, जो कि है रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन क्या होता है, तो जब आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं, इसका मतलब होता है कि ये क्वेश्चन आपके किसी दूसरे टीचर के पास जाता है चेक होने के लिए, जिसने आपका पहले कॉपी चेक किया उसके अलावा दूसरे टीचर के पास आता है चेक करने के लिए कि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली चेक करिए और देखिए कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन 100 रुपीज पे करनी पड़ेगी पर क्वेश्चन। जी हाँ, एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा, जिसकी भी डेट यहाँ पे दी गई है 6 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। तो अप्लाई करने के टाइम ही आपको क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा जिसमें आप अपना मार्क्स बढ़वाना चाहते हैं, सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो, 3 हो या 6 हो, जो भी हो, जिसमें लग रहा है कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं, इसमें कम नंबर आए हैं, तो वो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रॉपर रीजनिंग भी देनी पड़ेगी, जैसे कि कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसके पहले स्टेप में 1.5 मार्क्स है, दूसरे में 3 मार्क्स और बाकी में बाद के मार्क्स है, तो आपको पहले के 1.5 मार्क्स तो मिल गए लेकिन बाद के 3 मार्क्स नहीं मिले, तो आप वहां पे प्रॉपरली मेंशन करोगे कि मुझे इस क्वेश्चन में ये जो 3 मार्क्स थे वो नहीं दिए गए हैं,
तब उसके बाद आपका क्वेश्चन जाता है रिवेल्युएशन की तरफ और तब आपके मार्क्स अगर इंक्रीज हो रहे होते हैं वो इंक्रीज होके मिलते हैं आपको। तो फाइनली सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपका जो मार्क्स रहेगा अपडेटेड मार्क्स रहेगा वो आपको ऑनलाइन दिखा दिया जाएगा और अगर इनकेस आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो उसका जो रहेगा वो पोस्ट आपके घर पर आ जाएगा। फिर फर्दर आप कोई भी कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए तो आप यही दिखा के कॉलेज में एडमिशन लेंगे कि हाँ भाई मेरी अभी मार्कशीट आई तो नहीं है लेकिन ये हमारा ऑनलाइन मार्क्स जो अपडेट हो चुका है और ये लीगल है, कॉलेज इस बात को मानेंगे। तो इसके साथ एक बात और जाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत स्टूडेंट के मन में ये डाउट आता है क्या हम बार बार इसे करा सकते हैं कि पहली बार में तो मेरा मार्क्स नहीं बढ़ा शायद दूसरी बार में बढ़ जाए, लेकिन नहीं आप बस एक ही बार इसे करा सकते हैं, ये नहीं कि आपका मन हुआ कि बार बार इसे कराएं तो आप बार बार इसे करा सकते हैं। तो ये तो हो गई एक बात और एक दूसरी बात है कि किन किन स्टूडेंट को ये करना चाहिए, मतलब रीचेकिंग में अपना कॉपी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो पर्सनली मुझे लगता है कि साइंस के वो स्टूडेंट जिनका 75% से कम मार्क्स आ रहा है, मान लीजिए 72 आया है 73 आया है, उनको अपनी कॉपी रीचेकिंग में देनी चाहिए कि सपोज मान लीजिए कि आपका 73% या 74% है और आपने अपने रीचेकिंग में कॉपी दिया और कुछ मार्क्स इंक्रीज हो गए, आपका 75% प्लस हो गया, 75 हो गया, 75 क्रॉस हो गया, तो रीचेकिंग के टाइम पे स्टूडेंट्स के मन में एक और डर भी रहता है कि शायद मेरे मार्क्स और कम क्यों ना हो जाए पहले वाले मार्क्स से। तो हाँ सीबीएसई ने ये मेंशन कर रखा है कि रीचेकिंग के दौरान अगर आपका एक नंबर भी डिडक्ट हो रहा होगा तो वो होगा, लेकिन अभी तक मैंने पर्सनली तो देखा नहीं ऐसा होते हुए, लेकिन अगर ऐसा हो रहा होगा तो होगा। लेकिन अगर आपके 75% से कम नंबर आए हैं तो इसमें आपको कोई नुकसान ही नहीं, मान लीजिए कि आपका पहले 72% था और वो रीचेकिंग के बाद घट के 71% हो गया तो उसमें आपको उतना नुकसान ही नहीं है। लेकिन सपोज अगर आपका 74 से 1% बढ़कर 75% हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट के मान लीजिए 76 या 77% रहते हैं, वो और ज्यादा बढ़वाने के लिए 80 करने के लिए या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और ज्यादा इंक्रीज करवाने के लिए अपना रीचेकिंग में डाल देते हैं कॉपी, तो इससे क्या हो सकता है कि उनका जो मार्क्स आ रहा होगा पहले वो भी कम हो सकता है क्योंकि कम होने के पूरे चांसेस रहते हैं इसमें, तो कम होके वो 75 से नीचे गिर सकते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए तो नहीं, अगर अपना मन है तो वो करवा सकते हैं। अब सपोज कुछ स्टूडेंट के 75% से ज्यादा है, 76 के आसपास है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो वो भी अपना रीचेकिंग में डाल देते हैं कभी कभी ये इंक्रीज करने के लिए कि उनका नंबर शायद इंक्रीज हो जाए बढ़ के 80 के आसपास आ जाए, तो उसमें क्या होता है रिस्क होता है कि हो सकता है कि आपका नंबर बढ़े नहीं और घट के 75 के नीचे आ जाए, तो वहां पे रीचेकिंग कराना उतना बेनिफिशियल नहीं है। अगर आपके 74 पे, अगर आप बॉर्डर पर हैं 74 पॉइंट कुछ नंबर आया है और आप श्योर ही हैं 100% श्योर है कि एटलीस्ट 5 नंबर का डिफरेंस आएगा ही आएगा रीचेकिंग कराने में, तो आप डेफिनेटली अपना कॉपी रीचेकिंग के लिए दें ताकि आपका नंबर जो होता है वो बॉर्डर लाइन से आगे बढ़ सके, 75% से क्रॉस कर सके। तो ये हो गई सारी बातें रिलेटेड विद रीचेकिंग एंड रिवैल्यूएशन जो मैंने अभी आपको बताया, और जो पीडीएफ अभी दिखाया था वो था क्लास 12th वालों के लिए, साथ ही साथ क्लास 10th वालों के लिए भी डेट आ चुकी है रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन की, वो मैं आपको अभी एक बार बता देता हूं। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की डेट दी गई है 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक, जहां आपको 500 रुपीज पे करनी पड़ेगी एक सब्जेक्ट के लिए। ऑप्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक के लिए डेट दी गई है 4 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक अप टू 5 PM, जहां आपको 500 रुपीज पर आंसर बुक देना पड़ेगा। और फाइनली रिवैल्युएशन की डेट दी गई है 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक, जहां आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन, ये सारे जो पेमेंट होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका मार्क्स बढ़ रहा है, आपको और ज्यादा नंबर आना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली आप डेट मिस ना करें और रीचेकिंग के लिए अपना जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, रेड बटन को दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि हमारे ही चैनल पे एक पूरी कॉलेज सीरीज आने वाली है, तो उसका Part 1 वीडियो आ चुका है ऑलरेडी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो जल्दी से जाके उसे देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट आपको मार्क्स को लेकर या कोई भी कॉलेज को लेकर रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं थ्रू द टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे एट होम, बी सेफ, जम के मेहनत करते रहिए।